Good morning, my dear students. I hope you are understanding my videos very well. So, with this chain, I am continuing to present another topic of economics. So, today we are going to discuss the measures to solve the backwardness or problems of Indian agriculture. Students, if you have listened my previous video, then I have already discussed with you the various problems of Indian agriculture. Till date, we have discussed the importance of Indian agriculture and its problem. Importance communicate us that how much important our agriculture is for us. ठीक है, कितनी agriculture हमारे लिए important है, and there are certain problems due to which it has become difficult to it has become difficult for the farmers to face those issues, and due to which certain farmers have no other option but to go for suicide, right? So in this topic I am going to discuss with you the various measures or suggestions through which agriculture productivity could be improved, because it is directly or indirectly which is agriculture productivity which causes problems, right? So if the we take steps to improve the agriculture productivity, then many of the problems of Indian agriculture is automatically solved, right? So I'm Shelly Batra, your economics teacher, and I'm continuing with the topic, right? So following are the suggestions for the removal of low productivity of Indian agriculture. First point is better irrigation facilities. Look students, इंडियन एग्रीकल्चर इज़ मेनली डिपेंडेंट अपॉन द मानसून. ठीक है, ये अगर मैं आपको नहीं भी बताऊँ तब भी आपको पता है कि जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर है ना, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है मानसून के ऊपर. सो परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन शुड बी डेवलप. अगर किसान की इस प्रॉब्लम का हल निकल जाए ना, कि उसको टाइमली वाटर अवेलेबल हो जाए, मतलब जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू. तो अगर उनको टाइमली मॉनसून मिल जाए तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मतलब दे विल गेट गुड प्रोडक्टिविटी. बट हमें पता है कि जो मॉनसून है दैट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट. ठीक है, टोटली अनसर्टेन है, कभी जो मॉनसून आती है कभी डिले होती है, कभी अच्छी होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है. एट दैट टाइम फार्मर्स गेट प्रॉब्लम्स. सो देयर शुड बी लार्ज नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स and canals for the irrigation. अब problem again ये रहती है कि अब कैसे available करवाया जाए, irrigation facilities कैसे available करवाई जाए. तो tubewells ज़्यादा से ज़्यादा लगवाए जाए farmers के लिए, canals जो हैं that is most important. देखो tubewells लगाना ये एक temporary solution है, क्योंकि इससे हमारा जो ground water है वो suffer करता है. तो canal water जो है इसकी supply हर farmer तक पहुँचनी चाहिए, तो डबल पर्पज़ सॉल्व होएगा ना, तो हमारी वाटर क्राइसिस आएगा जनरल पब्लिक के लिए, ना ही फार्मर्स के लिए आएगा, राइट? नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स. ठीक है, सो क्वालिटी सीड्स जो है शुड बी सोल्ड थ्रू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और विलेज पंचायत. ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है, जो कुछ डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, दे वर्क विद म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, म्यूचुअल हेल्प के लिए काम करते हैं, ताकि सारे मेंबर्स उसमें बेनिफिट ले सकें. तो विलेज पंचायत हैं, उनके पंच जो होते हैं उसके मेंबर्स होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको क्वालिटी सीड्स सप्लाई करें. सो फार्मर्स शुड बी गिवन अ ग्रेट अवेयरनेस रिगार्डिंग द वेरियस वैराइटीज़ ऑफ सीड. अगर कुछ नई वैराइटी ऑफ सीड्स आई हैं तो उसकी भी बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. मार्जिनल फार्मर्स शुड बी गिवन सीड्स अनोन. मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको
लोन पे भी सीड्स अवेलेबल करवाने चाहिए। बहुत सारे बैंक्स हैं जो सीड लोन प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड सीड लोन। उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि फाउंडेशन के लिए फार्मर्स को फंडिंग करना, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रीन मैन्योर। देखो, ग्रीन मैन्योर इज़ व्हाट जो फार्मर्स हैं दे आर यूजिंग पेस्टिसाइड्स इन देयर फील्ड्स ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी इंक्रीज्ड एंड इट शुड बी मेड अवेलेबल टू द फार्मर्स एट सब्सिडाइज रेट्स। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, तो उसके लिए हमने बात करी है कि जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर सीड्स हमें केमिकल्स अवेलेबल करवाने चाहिए, पेस्टिसाइड्स अवेलेबल करवाने चाहिए ताकि जो फसल है उनको कीड़ा ना लगे और फार्मर्स की जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हो। सो ऑयल केक्स में भी यूज एज फर्टिलाइजर्स बाय द फार्मर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्या है? देखो, हमने जब प्रॉब्लम डिस्कस करी थी तो हमने एक पॉइंट डिस्कस करा था कि फार्मर्स को क्रेडिट क्या बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी लोन्स लेने हैं देन फार्मर्स को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ में से निकलना पड़ता है। सो फार्मर्स शुड बी एडवांस लोन्स एट रीजनेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। उनको जब लोन देना है तो उसका जो इंटरेस्ट है इट शुड बी रीजनेबल, राइट। रीजनल रूरल बैंक शुड बी ओपन। वैसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑलरेडी रीजनल रूरल बैंक्स ओपन किए हैं गवर्नमेंट ने, बट अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। कमर्शियल बैंक्स शुड बी डायरेक्टेड टू प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स ऑन ईजी टर्म्स। सो लोकल मनी लेंडर शुड बी स्क्रूटिनाइज टू स्टॉप देयर माल प्रैक्टिस। प्रॉब्लम ये चल रही है कि जो बैंक्स हैं वहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो तो लो है, बट बैंक्स में फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम्स हैं, तो जिस वजह से जो फार्मर है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती कि वो मनी लेंडर के पास जाता है। और मनी लेंडर्स क्या करते हैं, माल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं। क्या करते हैं वो, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। दे चार्ज मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड उसकी जो पेमेंट की टर्म्स होती हैं वो भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। कुछ फार्मर्स तो ऐसे होते हैं जिनकी सारी उम्र ही ना अपने लोन चुकाने में निकल जाती है। सो फार्मर्स को प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, तभी उनकी क्रेडिट प्रॉब्लम का हल निकलेगा। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग शुड बी इम्प्रूव सो दैट द फार्मर्स गेट प्रॉपर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, ठीक है। मार्केटिंग क्या है? अब प्रॉब्लम आती है कि जो किसान है उसने अपनी प्रोडक्ट फसल प्रोड्यूस कर ली, मान लो उसकी फसल बहुत अच्छी हो गई है, बट उसको प्रॉपर प्राइस नहीं मिलता। मतलब राइट टाइम पे वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके नहीं आ सकता, उसको वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं जिस वजह से उसकी फसल ख़राब हो जाती है। सो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए हमें, ताकि जो फसलें हैं वो टाइम पे मार्केट में आ सकें। रेगुलेटेड मार्केट शुड बी देयर, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करे मार्केट को। गवर्नमेंट शुड डिसाइड द प्राइस, जिस प्राइस पे फसल की खरीद की जाएगी। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी शुड बी इस्टेब्लिश फॉर दैट, राइट। सो कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो सोसाइटीज़ हैं उनका काम होएगा कि जो फसलें हैं उनको सेल कराना, जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ जो बड़े फार्मर्स हैं वो मिल के अपने मार्जिनल फार्मर्स की प्रोडक्शन को बाय इकट्ठी करके मार्केट में सेल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड रिफॉर्म्स। देर इज़ वेरी डायर नीड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। देखो, ज़मींदारी सिस्टम है तो अभी भी ठेकाबाजी चलती है, लैंड होल्डिंग्स जो हैं उसका साइज़ बहुत स्मॉल हो चुका है, तो लैंड रिफॉर्म्स में इम्प्रूवमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स आर असेंशियल। ज़मींदारी सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड। मतलब पहले होते थे जो ज़मींदार हैं वो मतलब सारी उम्र जो वर्कर्स हैं उनसे काम करवाए जाते थे और जो बदले में उनको कुछ नहीं देते थे,
बड़ी माइनर सी उनको उनको रीपे किया जाता था, मतलब जैसे कह लो कि साल का बस राशन दे दिया और इस बदले में अपने खेतों में काम करवाते थे। ठीक है, सो ज़मींदारी सिस्टम जो है इसको अबॉलिश करना चाहिए। कल्टीवेटर शुड बी मेड ऑनर्स ऑफ द लैंड, जो बंदा कल्टीवेटर होएगा ही विल बी द ऑनर ऑफ द लैंड। दैट रिफॉर्म नीड इज़ द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, सो अब ऐसा नहीं होगा कि जो ज़मींदार हैं और उसके खेतों में काम कर रहे हैं मजदूर, और मजदूर को सिर्फ मजदूरी मिल रही है, जो काम करेगा उसी की वो लैंड होगी। सो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग शुड बी इम्पोज। एक बंदा बहुत ज़्यादा लैंड नहीं बाय कर सकता, लैंड होल्डिंग के ऊपर सीलिंग लगेगी, मतलब एक लिमिट लगेगी कि बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर। मिनिमम साइज ऑफ द फॉर्म शुड बी फिक्स। सो प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एंड वाटर लॉगिंग शुड बी सॉल्व। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वाटर लैंड है वो इतनी ज़्यादा डाउन है, कोई किसी लैंड का लेवल डाउन है जिस वजह से वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, फसलें ख़राब हो जाती हैं, या कोई एरिया जो बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो उसकी लेवलिंग का काम भी गवर्नमेंट को करना चाहिए। वेस्ट लैंड शुड बी पुट इन यूज़ फॉर कल्टिवेशन। वेस्ट लैंड की डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग। देखो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है कि हम एक ही लैंड के ऊपर, एक ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर अगर हर टाइम सारा साल एक ही तरह की फसल उगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो डाउन होती है। तो ज़रूरी ये है कि हम मिक्स्ड फार्मिंग करें, मतलब बदल बदल के खेती करें। कभी उसमें पोटैटो ग्रो कर रहे हैं, कभी अनियन ग्रो कर रहे हैं, कभी हम उसमें बीन्स लगा रहे हैं, कभी उसमें वीट लगा रहे हैं। ठीक है, सो फार्मर शुड बी एजुकेटेड फॉर अडॉप्टिंग मिक्स्ड फार्मिंग। सो मिक्स्ड फार्मिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री, वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रोइंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं इनको भी अटैच कर देना चाहिए ये डेयरी फार्मिंग एक्टिविटीज़ के साथ और फ्रूट ग्रोइंग एक्टिविटीज़ के साथ। सो डेयरी फार्मिंग शुड बी इनकरेज विद द व्यू ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स, ताकि फार्मर्स के पास जब कुछ रूटीन में उनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो साइड में उनके पास डेयरी फार्मिंग का काम है, ताकि वो अपने रूटीन के खर्चों को निकाल सकें। नेक्स्ट इज एजुकेशन। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि फार्मर्स जो हैं उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स अलॉन्ग विद द एक्सटेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ शुड एजुकेट द फार्मर्स इन जनरल एंड फार्मिंग ऑपरेशंस इन पर्टिकुलर। फार्मर्स के लिए लर्निंग क्लासेस होनी चाहिए, फार्मिंग ऑपरेशंस की उन्हें नॉलेज देनी चाहिए कि कैसे उन्हें फार्मिंग करनी चाहिए। दे विल गेट न्यू आइडियाज़ ऑफ लेटेस्ट मैथड्स ऑफ कल्टिवेशन, बिकॉज बहुत सारी एग्रीकल्चर रिसर्च हो चुकी है। ये रिसर्च का बेनिफिट तब तक नहीं होगा जब तक इस रिसर्च को हम एग्जीक्यूटर के तक नहीं पहुँचाते हैं। तो जो एग्जीक्यूटर्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना है उसे फार्मर्स में, फार्मिंग में, तो उन लोगों को हमें वो लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में बताना चाहिए। सो दे विल इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, राइट। नेक्स्ट इज हेल्प टू स्मॉल फार्मर्स। देखो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स शुड बी हेल्प विद हाई यील्डिंग वेराइटी सीड। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको अगर गवर्नमेंट हाई वेराइटी यील्डिंग सीड दे दे, ठीक है, वो सीड जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, फर्टिलाइजर्स अवेलेबल कराएं, न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स अवेलेबल कराएं, उनके बारे में अवेयर करें, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। सो लोन्स शुड बी गिवन टू फार्मर्स एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ज़्यादातर देखने में क्या आया कि जो लोन्स हैं वो बिग फार्मर्स, इनके पास ऑलरेडी फंड्स की कोई कमी नहीं है, दे गेट द लोन्स। जो स्मॉल फार्मर्स हैं इनको कोई लोन देने को तैयार नहीं है, क्यों, क्योंकि उनके पास लैंड होल्डिंग कम होती है। तो बैंक्स को कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इन लोगों को लोन अवेलेबल करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी। ड्यू टू द मैकेनाइज्ड फार्मिंग एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स विल इंक्रीज। देर इज नीड कि ग्रीन रेवोल्यूशन दोबारा से आए। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन एक टाइम था 1964 की अगर हम बात करें, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन पर हेक्टेयर वाज यील्डेड इन इंडिया। ठीक है, सो प्राइस ऑफ द क्रॉप जो है वो
फॉल कर जाएगा अगर जो प्रोडक्शन है वो हाई अमाउंट में होगी. सो गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट द प्राइजेज शुड नॉट फॉल एंड प्रॉपर प्राइस शुड बी मेड अवेलेबल टू द फार्मर्स. सो प्राइस स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन रहे. नेक्स्ट इज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. प्लान्स आर मेड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बट देयर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट डन एंड फार्मर्स आर नॉट एबल टू डराइव द रिक्वायर्ड बेनिफिट. तो फार्मर्स को क्योंकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, फार्मर्स को उसके रिक्वायर्ड बेनिफिट मिलते ही नहीं है. सो फॉर दिस एफिशिएंट एंड डेडिकेटेड ऑफिसर विद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड शुड बी पोस्टेड फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज. तो गवर्नमेंट को कुछ ऑफिसर्स लगाने चाहिए जिन्हें हम एग्रीकल्चर ऑफिसर्स बोलेंगे. वो उनका काम क्या होगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करना, फार्मर्स की बेटरमेंट के लिए काम करना. एंड दोज ऑफिसर्स शुड बी हाईली डेडिकेटेड ऑफिसर्स. नेक्स्ट इज़ द डिक्रीज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन. द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन जो है ये कह लो कि बहुत हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है. देखो प्रोडक्शन कम नहीं है इंडिया में, प्रॉब्लम है कि जो प्रोडक्शन है इट इज़ नॉट एबल टू सर्व दिस ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. सो जो पॉपुलेशन प्रेशर है ये फार्मर्स को इनकरेज करता है कि वो और ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स यूज़ करें जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है. तो अगर पॉपुलेशन कम होगी तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन के कम होने से क्या होगी, डिमांड भी कम होगी. डिमांड कम होगी देन फार्मर्स क्या करेगा, देर विल बी लेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स. लेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर होगा देन ऑटोमेटिकली जो हमारी हेल्थ है इट विल गेट इम्प्रूव. सो मोर इंडस्ट्री यूनिट शुड बी सेटअप टू एब्जॉर्ब द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. जो कुछ लोग अननेचुरली मैनर में एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं तो उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें ट्रांसफ़र कर देना चाहिए. एंड पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर शुड बी फॉलोड. नेक्स्ट इज डिक्रीज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड शुड बी डिक्रीज मोर इंडस्ट्री. दिस इज ऑलरेडी डिस्कस. नेक्स्ट इज मैकेनाइज फार्मिंग. फार्मर्स शुड बी एजुकेटेड फॉर अडॉप्टिंग द मैकेनाइज फार्मिंग. दैट इज किसान मेला शुड बी ऑर्गेनाइज. इन दिस मेला एग्रीकल्चर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स एंड न्यू वराइटी ऑफ सीड शुड बी डिस्प्लेड. सो फार्मर्स शुड बी गिवन मोर नॉलेज अबाउट देयर इनपुट्स दीज इनपुट्स. मतलब उन्हें मैकेनाइज वे में काम करना पड़ेगा. अगर कोई लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं देन फार्मर्स शुड लर्न दोज टेक्निक. इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी वेलफेयर भी बढ़ेगी, जिससे जो फार्मर्स है वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा. राइट. नेक्स्ट इज अ साइंटिफिक कल्टिवेशन. वेरियस साइंटिफिक मैथड्स ऑफ कल्टिवेशन शुड बी एम्प्लॉय टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. अगर साइंटिफिक मैथड्स हम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन इम्प्रूव होएगी. फार्मर्स शुड अडॉप्ट टेक्निक्स लाइक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा. एंड द फार्मर यूजिंग न्यू टेक्निक्स शुड बी एनकरेज. सो मोर रिसर्च ऑन द क्रॉप्स सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स शुड बी यूजफुल. सो देयरफॉर दीज आर द वेरियस मेजर्स. नेक्स्ट मेजर हम डिस्कस करेंगे टेनेंसी रिफॉर्म्स. टेनेंसी रिफॉर्म क्या है, दीज आर रिलेटेड विद द लैंड रिफॉर्म्स इटसेल्फ. सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेनेंसी रिफॉर्म्स आर मच नीडेड. लैंड रेंट शुड बी फिक्स. अगर कोई बंदा ठेके पे काम कर रहा है तो उसका रेंट जो फिक्स होना चाहिए कि उससे ज़्यादा वो नहीं देगा, ना कोई चार्ज करेगा. वर्क विदाउट रेमोरेशन बैगर शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम द टेनेंट्स. सो कल्टिवेटर शुड नॉट बी इविक्टेड टिल दे पे द रेंट. सो कल्टिवेटर्स जो हैं अगर वो रेंट पे कर रहे हैं लैंड यूज़ करने के लिए तो उनको हम किसी भी तरह से कह लो कि फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो ज़्यादा रेंट पे करें या ज़्यादा प्रोडक्शन दें. राइट. सो दीज वर द वेरियस मेजर्स विच कुड बी अडॉप्टेड टू सॉल्व द इशूज़ ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर. मेन इशूज़ बेटे ये आते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग की प्रॉब्लम है,
ठीक है, पर जो प्रोडक्शन है उसका रेट हमें सही नहीं मिल रहा, तो उसके लिए ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है। अगर प्रोडक्शन कम हो रही है तो उसके लिए बेटर क्वालिटी सीड्स अवेलेबल होना ज़रूरी है। अगर क्रेडिट की प्रॉब्लम आ रही है तो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराना ज़रूरी है। सो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट को अपना रोल जो है उसको डाइवर्सीफाई करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी फार्मर्स को, क्योंकि एक बिग चंक ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। ऑलमोस्ट 65 से लेकर 70% तक जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो ऑटोमेटिकली वो सेल्फ एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में। अगर हम उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो जाएगा और उनका कह लो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनी रहेगी। तो फार्मर्स को थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, अगर गवर्नमेंट ये सपोर्ट प्रोवाइड करे तो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द मेजर्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। So for the time being, thank you very much. I hope you like this video. If you like it, then do subscribe it. Okay, thank you.